होली रंगों के साथ साथ दिलों का भी त्यौहार है। कहते हैं होली में दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, पर कभी कभी दोस्त ही जान के दुश्मन बन जाते हैं। अब भाई होली का त्यौहार है तो कपड़े मेन हाईलाइट होंगे, तो इस तरह के एक्साइटिंग फेस्टिवल में कपड़े इस तरह पहनो कि ताकि लगे यू आर नॉट कमिंग स्लो। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो। और अभी ये शाम का वक्त, होली का दिन, जूनियर्स के साथ ऐसी की तैसी कर रहा हूँ। अगर पिछली वीडियो में ये सब छा गए हैं, वो अगर वीडियो नहीं देखी है जाके तो जाके देख लो, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। अब कॉलोनी में ज्यादातर लोगों के यहाँ जाएंगे और सबके यहाँ की गुजिया खत्म करनी है, समझ रहे हैं? अपनी अपनी क्षमता से दो दो ज्यादा ही खानी है, समझ लो, ठीक है ना? इनो सब साथ में लिए है ना? इनो सब क्या नहीं है, अटो तुम क्या? अच्छा लकी भाई, तुम तो पिछली वीडियो में चाह ही गए। लकी इज फीलिंग सो अनलकी टुडे। वैसे तुम्हारा असली नाम क्या है? यश। यश यश, सामने देखिए, केजीएफ हीरो, सामने देखिए केजीएफ हीरो। यश 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 यश, कोई बात नहीं। सामने है मंगल पांडे के क्लोन। जिंदगी में कभी भी अगर मजा उठाने का मौका मिले तो उसे गंवाना मत, वरना तुम्हारे हिस्से का मजा कोई और उठा के ले जाएगा। अभिषेक भाई भी आ गए हैं। हाँ भाई, हैप्पी होली भाई। हैप्पी होली। गले कैसे मिले? गले मिल लो। ये है श्रीश दुबे जी और इनके छोटे भाई हैं श्रीश पांडे जी। उनसे भी अभी मिलेंगे वीडियो में आगे, हो सकेगा तो। बाकी सब बढ़िया, जल्दी मिलेंगे। अगर तुम्हारे पास बंदूक ना हो तो गोली का क्या फायदा, और अगर होली में रोमांच ना हो तो होली का क्या फायदा। इसी भावना के साथ थोड़ी रोमांचक और डरावनी होली हमने मनाई। कौन सी घटना? कौन सी घटना? जहाँ हम लोग वहाँ बना रहे थे, भूत पिशाच का निवासी है, पर हम लोग क्या है, हम लोग उनको दोबारा अपने मुट्ठी में कैद करेंगे और उनको यहाँ दूर से भगाएंगे, क्योंकि हमारे समाज के लिए काफी खतरनाक है। इस प्रकार भाई बहन आप लोग ध्यान से देखिएगा, हम आप लोग कल दिखाएंगे कि यहाँ पे किस प्रकार के भूत हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग कल आपको ठीक 4 बजे सायंकाल वहाँ पे मिलते हैं। आप देखिएगा उस भूत को हम लोग आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, तो मिलते हैं कल। जी अवश्य, कल नहीं, हमारी स्टार कास्टिंग आ जाने दो गोपीगंज से। कल का मतलब हो गया कि आज आने वाला कल, आने वाला कल। गोपीगंज, गोपीगंज से हमारे मित्र महान तांत्रिक आने वाले हैं परसों, उनके आ जाने पर है। हम उस आत्मा को कैद करेंगे, उस आत्मा की अंतिम तिथि आ चुकी है। कैमरामैन कुलदीप पांडे, बोलो बोलो बजरंगबली की जय। तो बोलो गदापति की जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शाम के 8 बज रहे हैं और इधर उधर घूम रहा हूँ फालतू का, दोस्तों के यहाँ जा रहा हूँ, खाना खत्म कर रहा हूँ उनके घर का, गुजिया भी खत्म कर रहा हूँ उनके घर का। मेरे घर की खत्म हो गई, तुम्हारे घर की, अभी तुम्हारे घर चलते हैं। मैं बात कर रहा है ना, तो आप सबसे एक विनम्र निवेदन है कि गाय भैंस और कुत्तों के ऊपर कलर ना डालें, क्या पता उनमें क्या केमिकल मिला हो और वो उनको नुकसान कर दें। कलरफुल होली मनाएं, सैडफुल होली नहीं। और हम सभी की तरफ से आपको हैप्पी होली। यूपी की कहानियां विद नीलेश मिश्रा। हम आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताना चाहते हैं, ताकि आप लोग सतर्क हो जाएं, ऐसा वो काम न करें जिससे आप संकट में हो जाएं। जो कहानी है दोस्तों, ये हमारे गांव हनुमानगंज कतवारीपुर प्रयागराज की है। दरअसल उस दरअसल अच्छा दरअसल हाँ दरअसल चूंकि चूंकि क्योंकि है कि वह की जहाँ की तहाँ की वहाँ की, आगे बताइए। हमें हंसाने का प्रयास मत करिए, दरअसल ये बहुत ही कहानी है। तो जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करता है। कौन था?
चुड़ैल की आवाज पहले ही आने लगी है कहानी बताने से पहले, तो आप आगे कहानी सुनिए। गांव में फूल माला अगरबत्ती इत्यादि सब फेंका रहता है, ये सब तांत्रिक बाबाओं का ये जाल रहता है, जो मतलब एक इंसान के शरीर से ला के उसमें छोड़ देते हैं। तो कोई अगर बच्चा उसे डांक जाता है या फिर खा लेता है तो उसकी मृत्यु तय होती है। हमारे गांव में एक ऐसा बच्चा था, उसने देखा कि मिठाई के डिब्बे कुछ पैसे रुपए पड़े हैं, उसने उसे उठाया और खा लिया। एक महीने बाद क्या हुआ नहीं बता सकते, क्योंकि आप लोग इतना डर जाएंगे, घर से बाहर निकलना छोड़ देंगे। आप बताइए, उसे बताइए, निकल निकल के हम परेशान हो गए हैं, अब नहीं निकलना है घर से, बताइए। उस बच्चे ने जब उस मिठाई और पैसे को खा लिया और एक हफ्ते बाद उसने पैसे को भी खा लिया, अरे मतलब मिठाई थे और पैसे से खर्च करके कुछ खा लिया, तो उसे अच्छा मिठाई भी खर्च की पैसा भी खर्च किया। आप कुछ मिठाई खा लिए पैसा खर्च कर दिया और कुछ खा लिया, अच्छा पैसा खा लिए मिठाई खर्च कर दी, उन सभी वस्तुओं का उसने उपयोग कर लिया अपने हित में। ठीक है, तो क्या होता किसके हित में? अपने अपने कौन था? बच्चा 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 कौन? बच्चा यादव, बच्चा यादव, हाँ बच्चा यादव। हमारे गांव में हर जगह छाया दिखती है, छाया छाया पेड़ वाली, पेड़ वाली नहीं इंसानों वाली, इंसानों बड़े बड़े बालों वाली, बड़े बड़े नाखूनों वाले, बड़े बड़े उल्टे पैर। जी 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 जी, तो उसे बार बार डिस्टर्ब होता था। उसके पिताजी कहते हैं क्यों तुम मुझे परेशान कर रहे हो, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। उसने कहा नहीं पिताजी हमें ऐसा दिख रहा है। उसने कहा, पिताजी ने पूछा कि तुमने कुछ खाया पिया या था क्या गाँव में, जो इसे कहते हैं, इसे गाँव में एक प्रकार से निकारी कहते हैं और कुछ भी आप लोग भाषा में कहते हैं, हमको अभी ज्ञात नहीं है, बाद में पता चल जाएगा। क्या होता है उसके पिता कहते हैं नहीं बेटा तुमने कुछ जरूर किया है। कहा नहीं पापा हमने सिर्फ एक मतलब ऐसा ठीक है, ठीक है मिठाई खाए। राम रहीम सिंह इंसान के वर्जन 2.0 ये बताइए आप जी, जी, कितना भांग का सेवन किया है आपने आज? एक बोतल हमने भांग का सेवन नहीं किया, एक बोतल घटा। जब हम होलिका दहन के दिन डांस कर सकते हैं तो होली के दिन डांस करना तो और होली के दिन डांस करने में इतने मशरूफ हो गए कि वीडियो बनाना ही भूल गए। मैं होली मनाता हूँ लेकिन कलर्स से खेलता नहीं हूँ, सिर्फ अबीर वाली होली खेलता हूँ, क्योंकि एक बार की बात है हमने विभिन्न प्रकार के कलर्स से होली खेली और हमारे स्किन में इन्फेक्शन हो गए, इसलिए हमने आदत सुधारी और कलर से होली खेलना छोड़ दी। लेकिन आपका मन जिस प्रकार होली खेलने को करे आप खेलो, आफ्टर ऑल ये आपकी जिंदगी है, मैं कौन होता हूँ फैसले करने वाला। शाम के 8 बज रहे हैं और दोस्तों के यहाँ घूम रहा हूँ इधर उधर और लोगों के यहाँ की गुजिया खत्म कर रहा हूँ, जैसे कई पुराने दोस्तों से भी मिल रहा हूँ जिनसे मिले बहुत दिन हो गए। और आप सबसे एक विनम्र निवेदन है कि जानवरों को प्रताड़ित ना करें, उनके ऊपर कदर ना डालें, क्योंकि आप खुजली हो जाएगी तो आपका हाथ आराम से पहुंच जाएगा, उनके बेचारों के तो हाथ पैर भी उस लायक नहीं है कि पहुंच सके। अरे पूंछ है तो फिर भी पीठ पे डालोगे तो पीठ पे पूंछ पहुंच अरे वो पत्थर से लपेट लेते पानी कीचड़ से। अच्छा तुम भी मतलब जीभ लगा के पानी पीते हो? नहीं नहीं।